अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू shadbazaar.com। सेलर टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि भाई ऑनलाइन जो ऑर्डर्स आते हैं हम लोग लेते हैं तो कस्टमर्स जो हैं वो बुक करवा देते हैं एक चीज़, तो अभी हमने वो डिस्पैच नहीं की होती कुछ 4 घंटों बाद 5 घंटों बाद ओवरनाइट, यानी कि रात, अगर फॉर एग्जांपल आज शाम को ऑर्डर मिला है तो आपने कल भेजना था, तो रात को ही वो मैसेज कर देते हैं कि भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो उसमें हमें उसको किस तरह डील करना है इस तरह के कस्टमर्स को? अच्छा, इसमें एक बात आप लोगों लोग कहेंगे कि भाई अगर आपने शिप ही नहीं किया, ऑर्डर अभी भेजा ही नहीं, तो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, एक तो सीन है ना कि आपका ऑर्डर चला गया है, आपने कोरियर के हवाले कर दिया है, तो अब वो कस्टमर कह रहा है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो डेफ़िनेटली वो आगे से अब रिसीव नहीं करेगा, तो आपको 200 रुपये पड़ जाएगा, उसमें तो आपको तकलीफ़ होगी कि आपका नुकसान होगा। अब आप कहती हैं कि भाई जान मैंने तो ऑर्डर किया था आपके शिप करने से पहले ही, यानी कि डिस्पैच करने से पहले ही, कोरियर को देने से पहले ही मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसमें आपको क्या तकलीफ़ है, आपका क्या गया है, मैंने तो ये कह दिया था। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि तकलीफ़ किस तरह होती है सेलर को और इस तरह के कस्टमर्स को आपने डील कैसे करना है। पहले मैं ये बता दूँ कि मसला क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा तरीकाकार है, मैं वीडियोस के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, फेसबुक पेज के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करता हूँ, उसको जब नहीं आती है बीच ट्री की, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 शर्ट्स आई हैं तो मैंने वो आपके आपको YouTube पे दिखाई है या Facebook पेज पे लगा दी है। जब आप ये, जब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर की बेस हो, ज़्यादा कस्टमर्स हों। अब क्या होगा कि जो हॉट डिज़ाइंस होंगे उनकी एकदम से हर बंदा कस्टमर कहेगा भाई मेरा बुक कर लेना, मेरा बुक कर लेना, मेरा डन कर दो, मेरा डन कर दो। तो वो स्टार्ट में जब वो कस्टमर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बहुत अच्छा कस्टमर है जो कि आपसे ऑलरेडी परचेज़ करता है और आपको पता है कि ये कैंसिल करने वाला नहीं है, खप डालने वाला नहीं है, तो आपने उसको भी कहा कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ख़त्म हो गई है, आपने किसी नए कस्टमर को या इस तरह के कस्टमर को दी है, ठीक है। अब वो कस्टमर चला गया जो, जिसको आपने ना कर दी कि जी मेरा ख़त्म हो गया है स्टॉक, अब थोड़ी देर बाद या 4 घंटे बाद या ओवरनाइट वो बंदा कहता है कि भाई ये मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे, मैंने नहीं लेना, तो वो जो आपने पहले भी कस्टमर मिस किए हैं उसके, उस प्रोडक्ट के 10 कस्टमर 5 कस्टमर वो भी आपके गए। डेफिनेटली ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ कि जो कस्टमर्स मुझे पूछते हैं कि भाई ये है, मैं कहता हूँ नहीं है, तो मैं उनके नंबर चैट डिलीट करता जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी वो व्हाट्सएप पे होती नहीं है मेमोरी, तो मैंने उन्हीं कस्टमर्स के रखने होते हैं चैट वगैरह जो कि ऑर्डर डन कर रहे होते हैं। तो अब वो कस्टमर चला गया, उसका नंबर आपने डिलीट कर दिया, अब दोबारा आप उसको कहाँ से ढूंढें, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपके पल्ले पड़ गई, कहने वाला तो ये कहता है, कस्टमर कहता है कि जी हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, आपने शिप तो की नहीं, तो आपको क्या तकलीफ़ है। उसमें तकलीफ़ ये होती है कि अगर आपका माइंड नहीं बना, पहले ही सोचें, सोच समझ के लें, मार्केट को चेक करें कि भाईजान ये प्रोडक्ट कहीं और पे मुझे सस्ती मिल रही है तो वहाँ से पहले ही ले लें, बजाय उस सेलर को तंग करने के। ये होती है तकलीफ़ सेलर को। अब इस तरह के कस्टमर्स को आपने डील किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सेलर हैं। अच्छा, जब आप स्टार्ट करती हैं कोई भी काम तो आपके पास कस्टमर बेस नहीं होती, आपके पास कस्टमर्स नहीं होते, आप नया काम स्टार्ट करती हैं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आगे चलती हैं तो आपकी कस्टमर बेस बन जाती है, यानी कि कस्टमर्स आपके बनते जाते हैं, आपसे कोई परचेज़ करता है, कोई लेता है, कोई रिटर्न करता है, कोई शिकायत करता है, कोई खप डालता है, कोई तारीफ़ करता है, ये सारा इसका हिस्सा होता है। अब जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे आपने उनको कैटेगराइज्ड करने, यानी कि कैटेगरी बनाते जाना है कस्टमर्स की, कि ये जो कस्टमर हैं ये वो कस्टमर हैं जो रेगुलर कस्टमर हैं, इन्होंने किसी हाल में भी मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, जब डन करते हैं तो ओके करते हैं, पक्का करते हैं, और प्रोडक्ट इनकी मैं जब हो। लेकिन इसमें यह भी बात याद रखिएगा कि अगर आप खुद ईमानदारी से और लगन के साथ काम कर रही हैं, बाकी हल्की फुल्की मिस्टेक्स हो जाती हैं, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं होता, कभी कोई ज़्यादा पार्सल्स हुए, कोई आगे पीछे चला गया, ड्रेस चेंज हो गया, कोई फॉल्ट निकलाया, तो उनमें क्या करेंगे, कस्टमर को कहेंगे, मैं खुद ये इसी तरह करता हूँ, मेरी गलती से चला जाए कोई ड्रेस गलत चला जाए किसी को, मैं कहता हूँ आप वापस कर दें, वहाँ से भेजने के TCS चार्जेस भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरी गलती है, इसमें कस्टमर का कसूर नहीं होता। लेकिन अगर कोई कस्टमर वैसे ही कहे कि मैंने पसंद नहीं आया, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो मैंने तो सोचा था ये इस तरह का है, तो उनका मैं रिटर्न नहीं करता, क्योंकि फिर इस तरह आप रिटर्न करने लग जाएँ तो सारे ही लोग क्या करते हैं कि लोग वापस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक कस्टमर्स की कैटेगरी ये बन गई जो आपको बहुत हाई क्लास के कस्टमर्स हैं जो कि अच्छे, दूसरे नंबर पर वो रखें जो कभी कभार लेते हैं लेकिन खप छप नहीं डालते, कंप्लेन नहीं करते, कैंसिल नहीं करते।
ठीक है, कंप्लेन की मैं ये नहीं बात कर रहा कि कोई आपका कसूर भी हो तो उस पर भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, यानी कि खाम खा एक बंदे होते हैं ना कि ऐसे निकाल के बैठ जाते हैं कीड़े, वो एक कस्टमर्स की कैटेगरी तीसरे नंबर पे वो बनाएं जो कस्टमर्स इस तरह के होते हैं कि जो समटाइम्स पार्सल गया तो मैं घर नहीं था तो वो पार्सल मैं जी इधर गई हुई थी, मैं जी रिसीव नहीं कर सकी, मैं जी TCS के दफ्तर किसी को भेज नहीं सकती, वो जो कस्टमर्स हैं उनको थर्ड में रखें तीसरे नंबर पर। और ऐसे कस्टमर्स जो कि ऑर्डर डन करके कैंसिल कर देते हैं उनको भी तीसरे नंबर पे रखें। अच्छा, आप कहेंगे कि अब मैं इनको लिखूं, इनका नाम लिखूं, कैसे करूं, इनको मैनेज कैसे करूं कि तीन कैटेगरीज हैं। मैं क्या करता हूं कि जाहिर है जो आपके अच्छे कस्टमर्स हैं, जो आपसे ले रहे हैं, जो कैंसिल नहीं करते, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनका तो आपको वैसे ही याद हो जाता है कि ये कस्टमर मेरा रेगुलर है। जो इस तरह के कस्टमर होते हैं ना जो कैंसिल करते हैं ऑर्डर्स या उनके ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं, तो मेरा एक तरीकाकार है कि मैं अच्छे कस्टमर्स जो हैं या जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनका उनकी चैट डिलीट कर देता हूं। जब वो मुझे कहते हैं ना कि भाई जान ऑर्डर मिल गया है, डिलीवर हो गया है, डन है, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैंने मेमोरी साफ़ करनी होती है। लेकिन ये जो कस्टमर्स होते हैं ना जो इस तरह करते हैं कि बदतमीज़ी करते हैं या आपको कैंसिल करते हैं ऑर्डर बार बार या रिटर्न करते हैं, तो मैं उनकी चैट लाजमी अपने मोबाइल में रखता हूँ कि कल कलां, क्योंकि इतने कस्टमर्स होते हैं आपको याद नहीं रहता, कल कलां वो दोबारा ऑर्डर करे तो मुझे पता हो, मैं उसकी चैट रीड करता हूँ कि ये कस्टमर वो है जिसने कैंसिल किया था, ये वो है, मुझे पता चल जाता है कि ये कस्टमर थर्ड कैटेगरी का है। अच्छा, अब थर्ड कैटेगरी में आपने उसको डील कैसे करना है? आप कहेंगे कि क्या मैं उसको प्रोडक्ट ना दूं या उसको ना कर दूं या उसको ब्लॉक कर दूं? ब्लॉक नहीं करना, ना नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। आपने क्या करना है कि उसको थर्ड कैटेगरी में रखना है, पहले अपनी फर्स्ट कैटेगरी को प्रोडक्ट देनी है। डेफिनेटली आपके पास जब एक आर्टिकल का डिब्बा आता है, सेट आता है, या आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं तो उसमें कुछ बहुत हॉट और अच्छी होती हैं, कुछ नॉर्मल डिज़ाइन होते हैं, तो वो जो हॉट और अच्छे डिज़ाइन होते हैं वो सबसे पहले कस्टमर्स जो हैं वो उनको लेना चाहते हैं, हर बंदा लेना चाहता है, तो अपने वो डिज़ाइन फर्स्ट कैटेगरी वाले कस्टमर्स को दें पहले, उनको उनमें से अगर बुक करवा रहे हैं तो उनको बुक करते जाएं। अगर उसी दौरान थर्ड कैटेगरी वाला बंदा आपसे मांगता भी है, वो कहता है कि थर्ड कैटेगरीज में जो कस्टमर्स हैं पार्ट में, थर्ड पार्ट में या कैटेगरी में, तो उनको कहें जी अभी वेट करें, अभी हमारे पास स्टॉक आया नहीं है या आ रहा है या ख़त्म हो गया है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है, उसी दौरान क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट कैटेगरी वाले कस्टमर्स हैं या सेकेंड कैटेगरी वाले जो कस्टमर्स हैं वो भरवें, या कोई नया कि जो कस्टमर्स आज तक आपके पास कभी नहीं आया, आपको नहीं पता वो किस तरह का है, तो वो आपसे मांग रहा है, तो पहले उनको फुलफ़िल करें, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो पहले लें, डन करें, फिर अगर कोई प्रोडक्ट बच जाती है एंड पे तो वो फिर उसको दें। अदरवाइज़ अगर वो पहले ही, पहली बात तो ये है कि आपकी अच्छी जब कस्टमर बेस बनेगी तो आपको वो उस थर्ड बंदे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले दो में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जब कस्टमर्स को कि कैटेगरीज बनाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि ये कस्टमर किस तरह का है, ये इस तरह बिहेव करता है, जब कैटेगरीज में फर्स्ट में कैटेगरीज में जो कस्टमर्स हैं उनको पहले एक प्रोडक्ट दो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट कोई मतलब ये तो नहीं है कि जी खेल है, तमाशा है कि जी हम भेज दिया है अब वापस कर रहे हैं या कैंसिल कर दें, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है आपके इतने कस्टमर्स को छोड़ के। आप मेरे पास आप शर्ट्स की देखें वीडियोज़ जब आती हैं तो लड़कियाँ जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो मुझसे लड़ती हैं कि भाई आपने मुझे नहीं दिया, मैंने आपको पहले मैसेज किया था, वो अपनी जगह पे सच्चे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह के कस्टमर्स को दे के थोड़ा झट बात कर चार घंटे बाद जी भाई कैंसिल कर दें जी मेरे मियाँ को पसंद नहीं आया या जी ये आप मैंने वापस कर दिया है, तो बजाय उनको देने के उन कस्टमर्स को दें जो आपके सच्चे पक्के कस्टमर्स हैं, जो ओरिजिनल कस्टमर्स हैं, जो शुगर मेला लगाने के लिए नहीं बैठे हुए। पहली दो कैटेगरीज के कस्टमर्स को पहले फुलफ़िल करें, उसके बाद बच बुच जावे फिर इनको दें। ये तरीका है कस्टमर्स को हैंडल करने का। कैटेगरीज आपकी बनती जाएंगी जब जैसे जैसे आपको समझ आएगी ना, आपकी ये बात मेरी तब समझ आएगी आपको जब आपके पास कस्टमर्स इंशाल्लाह अल्लाह करे आपका काम चले ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जब ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार ये कस्टमर ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसको कैसे करना है, इसको देनी है प्रोडक्ट या नहीं देनी, इसको कब देनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है। ये एक वीडियो थी, छोटी सी तो नहीं कहूँगा, मेरी हर वीडियो इसी तरह लंबी हो जाती है, तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर इसी तरह की कोई और चीज़ आपने पूछनी हो, कोई तजुर्बा मुझसे या कोई बात आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट्स में लिख दिया करें या मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्ड मैसेज बना के सेंड कर दें कि भाई ये इस पे वीडियो
वीडियो कर दें, अलग अलग मैं नहीं गाइड कर सकता, अलग अलग ना पूछा करें, मुझे बता दिया करें कि भाई ये वीडियो बना दें इस पे, जिस तरह मैंने अब बनाई है मैं इंशाल्लाह बना के आप लोगों को बता दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।